हाय गाइज़ वेलकम टू आई सी एस सी टेंथ सोधसा अद्र यार आज के इस वीडियो में हम जोग्राफ़ी के पूरे पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज़ देखेंगे और मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर लिए तो तुम या तो इसे चैप्टर वाइज़ कर सकते हो या तुम वन शॉट भी इसको देख सकते हो तो इट्स योर चॉइस और पूरा वीडियो देखना ताकि लास्ट तक सारे एम कवर हो जाएँ और ये सारे एम सी क्यू से इंपॉर्टेंट है अब जैसे हिस्ट्री के पेपर में देख लो मैंने जो तुम्हें एम सी की बताए थे एंड जो क्वेश्चन मैंने बताए थे जैसे कि इस बार प्राइम मिनिस्टर से आएगा सो तो ये सारी चीज़ें देखो वही चीज़ें आ गई तो इसीलिए मतलब जो मैं तुम्हें बता रही हूँ और वीडियोज़ डाल रही हूँ हर सब्जेक्ट के जो हमारे और सब्जेक्ट्स में बचे हुए जिनके पेपर बचे तो उनके जो मैं वीडियोज़ डाल रही तो इसीलिए उसे सीरियसली लो एंड उसे अच्छे से देख के जाओ और समझ के जाओ ठीक है एंड मैं ट्राई करूँगी कि जो तुम्हारे रेस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट्स के पेपर बचे हुए हैं उसके भी मैं तुम्हें एम सी क्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर सो so, जिससे मैंने चैप्टर वाइज बनाया तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया है तो स्टार्ट करते हैं अपने एम सी क्यूज़ को तुम पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद आंसर करने की कोशिश करना और उसके बाद फिर इसका आंसर देख लेना सो अपना फर्स्ट एम सी क्यू है द टेम्परेचर डिक्रीजेजे विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ टू डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी वन फोटी मीटर्स वन डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी थर्टी टू मीटर सिक्स डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी फाइव हंड्रेड मीटर या वन डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी वन सिक्सटी सिक्स मीटर तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है सारे एम सी क्यू हमारी बुक्स ये हैं कहीं बाहर से नहीं है नेक्स्ट देखते हैं द साउथ वेस्ट मानसून ब्लोज इन समर साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर बी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ठीक है चलो मूविंग टू नेक्स्ट मानसून विंड्स आर लोकल विंड्स वेस्टर्लीज पीरियोडिक विंड्स या ईस्टर्लीज तो इसका करेक्ट आंसर है मानसून विंड्स आर पीरियोडिक विंड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लोकल विंड्स काली बैसाखी आर अकंपनीड कंपनीड बाई रेनफॉल इट इज़ गुड फॉर विच क्रॉप व्हीट क्रॉप कॉटन क्रॉप टी क्रॉप या कॉफी क्रॉप तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टी क्रॉप आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम ए बे ऑफ बंगाल बी अरेबियन सी सी इंडियन ओशन या डी मेडिटेरेनियन सी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अरेबियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रिट्रीटिंग मानसून कॉजिस विंटर रेन इन ए पंजाब बी हरियाणा सी गुजरात या डी तमिलनाडु तो इसका करेक्ट आंसर है डी तमिलनाडु ठीक है फिर तुम्हारा कोल्ड सीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम ए जून टू सेप्टेंबर बी मार्च टू मे सी अक्टूबर टू नवंबर या डी नवंबर सॉरी दिसंबर टू फेबररी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिसंबर टू फेब्ररी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लू द हॉट डस्टिवेंट्स ब्लो इन द मंथ ऑफ ए मे बी दिसंबर सी अक्टूबर या डी जनवरी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट मानसून का जितने तो भी तुम्हारे मानसून है ना मतलब इन सब का डायरेक्शन जरूर देख के जाना साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट इन द कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन या मेडिटेरेनियन सी तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी मेडिटेरेनियन सी नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये तुम्हारा सॉइल्स से तुम्हारे सेकंड चैप्टर बुक का सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया से ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट्स बी फॉस्फेट्स सी नाइट्रोजन या डी ऑर्गेनिक मैटर तो इसका जो करेक्ट आंसर है तुम्हारा दैट इज ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम कार्बोनेट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द रेड सॉइल्स आर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियन क्रिस्टलाइन रॉक्स बी डिसग्रेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स सी डेपोजिशन बाई द रिवर्स या डी ट्रांसपोर्ट बाई द रिवर्स ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेड सॉइल्स आर रिच इन रेड सॉइल्स आर रिच इन फर्स्ट पोटैश बी लाइम सी नाइट्रोजन या डी फॉस्फेट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोटैश ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड एरियन इंडिया वेयर गली एर टेक्स प्लेस ए नर्मदा वैली बी चांबल रवाइंस या सी गंगा रिवर या डी दामोदर रिवर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चाम्बल रेवाइंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक सोइल्स आर फाउंड इन ए हरियाणा बी महाराष्ट्र सी मेघालय डी उत्तर प्रदेश तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सोइल विद अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बिंग अल्डिंग मटीरियल ए रेड सॉइल बी एलुवीएल सॉइल सी लैटराइट ऑयल या डी ब्लैक सॉइल तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लैटराइट सॉइल ठीक है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन द लैटराइट सॉइल्स आर फाउंड ए द समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स बी डेकेंड प्लाटो सी इंडो गैजेटिक प्लेन्स या डी कोस्टल प्लेन्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन

अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सोइल फॉर्म्ड इन सीतू द सॉल फॉर्म्ड इन सीतू ठीक है ये भी देख के जाना कि कौन सी साइल इन सीतु है और कौन सी साइल एक सीतु है ठीक है अब जैसे अगर इसका मैं ये है कि जैसे कि ब्लैक सॉइल भी इन सीतु सॉइल होती है और लैटराइट सॉइल भी इन सितू साइयल होती है लेकिन जब अगर क्वेश्चन तुमसे इस टाइप से एम सी क्यूज में पूछे तो तुम क्या लगाना उसका आंसर ब्लैक सॉइल लगाना ठीक है वैसे होती लैटराइट सॉइल भी इन सितू सॉल है लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम ब्लैक सॉइल लगाओगे ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर से नेचुरल वेजिटेशन बुक का थर्ड चैप्टर इसका पहला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो कॉल्ड बिकॉज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं उन्हें दे आर वेरी डेंस फॉरेस्ट दे आर रेन फॉरेस्ट द ट्रीज आर स्टैंड या दे डू नॉट शेड लीव्स एट द सेम टाइम तो इसका जो करेक्ट आंसर है देट इज ऑप्शन नंबर डी दे डू नॉट शेड लीव्स एट द सेम टाइम ठीक है इसीलिए उन्हें एवरग्रीन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ट्री विच इज़ हार्ड एंड सेंटेड हार्ड एंड सेंटेड फाउंड यूजअली इन हाई आल्टीट्यूड ठीक है तो सारी जितने भी ट्रीज हैं उन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के जाना ठीक है एंड एग्जाम्पल्स वगैरह भी लर्न कर लेना उनके यूज़ क्या है वो सब चीज़ें लर्न करके जाना विच इज़ हार्ड एंड सेंटेड एंड हाई ऑल्टीट्यूड से पाया जाता है ए टीक बी रोजवुड सी दिओदर या डी सुंदरी तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दियोधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेम द वेजिटेशन फाउंड इन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स. विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न गार्ड्स. ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी डेसिडअस फॉरेस्ट, सी मैंग्रोव फॉरेस्ट या डी थॉर्न एंड स्क्रा फॉरेस्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है कटिंग डाउन द ट्रीज बी प्लांटिंग ट्रीज फ्राम वेयर दे हैव बीन रिमूव्ड या प्लानिंग फ्रेश ट्रीज या डी क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज प्लांटिंग फ्रेश ट्रीज अगर ये होता कि जैसे प्लांटिंग ट्रीज फ्रॉम वेयर दे आर बीन रिमूव्ड तो इसका होता है रीफॉरिस्टेशन ठीक है इसका होता है रीफॉरस्टेशन रीफॉरस्टेशन लेकिन एफॉरेस्टेशन है तो इसका मतलब होता है प्लांटिंग फ्रेश ट्रीज और तो कटिंग डाउन ट्रीज ऑफ डिफॉरेस्टेशन होता है ठीक है चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दीज टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स ए रोजवुड बी हिंटल सी चिर या डी दियोदर तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोजवुड ठीक है तो ये थे तुम्हारे नेचुरल वेजिटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट एम अब देखते हैं नेक्स्ट तुम्हारे चैप्टर जो है वाटर रिसोर्सेज यानी तुम्हारे बुक का चैप्टर नंबर फोर तो इसका पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ एन एक्वेफर ठीक है ये तुम्हें जो डेफिनेशन लिखी होती है चैप्टर के लास्ट में की उसमें मिल जाएगा तो तुमसे एक्वेफर की बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है वो एंड अंडरग्राउंड वेल दैट रेडिली गिव्स आउट वाटर ऑन डिकिंग द लैंड

वैसे तुम्हारे जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें ऐसे कैपिटल में एन करके लिख देते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना रेन वाटर हारवेस्टिंग देखो रेन वाटर हारवेस्टिंग तो है ही वाटर कंजर्वेशन के लिए फिर यूजिंग बॉटल ड्रिंकिंग वाटर ओनली तो ये नहीं है नेक्स्ट वाला वाटर रिसाइकिलिंग है प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन ये है ठीक है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूजिंग बॉटल ड्रिंकिंग वाटर ओनली ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वाटर रिवर्स ग्राउंड वाटर लेक्स एंड पॉइंट्स या रेन तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी रेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन इज ऑल्सो नोन एज इसको इसका दूसरा नाम क्या है सीपेज इरीगेशन ओवर हेड इरीगेशन प्रोटेक्टेड इरीगेशन या नॉजल इरीगेशन तो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ओवर हेड इरीगेशन ठीक है याद रखना इस बात को और ओवरहेड इरीगेशन के साथ साथ इसको हम स्प्रे इरीगेशन भी कहते हैं ये बात भी याद रखना ठीक है तुम्हारी बुक में से लिखी हुई है थैंक स्प्रे इरिगेशन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टैंक्स फ्रॉम द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन टैंक्स फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पे वो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब मेन इरिगेशन उसी से होता है टैंक से होता है वहां पे पंजाब एंड हरियाणा द डेक प्लेटो मध्य प्रदेश एंड गुजरात ये ऑल ऑफ अबव तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा द डेक प्लेटो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मतलब जो ये जो डेकेंड पार्ट हो यानी साउथ में ठीक है टैंक्स मेन कहाँ पे साउथ में ज्यादा मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन वहीं पे होता है टैंक्स टैंक्स का यूज सबसे ज्यादा इरीगेशन में वहीं पर होता है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश इज नॉट अ कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इरीगेशन अब यहाँ पे लिखा है नॉट अ कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इरीगेशन अब देखो कन्वेंशनल मीन्स का मतलब ये है कि मतलब जैसे कन्वेंशनल मीनस में बहुत ही ज्यादा जो वाटर होता है उसका वेस्टेज होता है जैसे कन्वेंशनल मीन्स में जो पूरा फील्ड होता है उसे पूरा वाटर से कवर कर दिया मतलब तो पूरा पानी भर दिया जाता है फील्ड के अंदर तो वो कन्वेंशनल मीन्स होता है और उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है क्योंकि वापरेशन वगैरह की वजह से वाटर वेस्ट हो जाता है लेकिन जो कन्वेंशनल मीन्स नहीं होते उसमें वाटर क्या होता है कंजर्व होता है अब जैसे फरो इरीगेशन इसका करेक्ट आंसर जो है वो फरो इरीगेशन ही है वेल्स टैंक्स और इनडेशन कैनाल्स वो क्या है कन्वेंशनल मीन्स हैं और फर इरीगेशन में क्या होता है जैसे जैसे क्रॉप्स लगे तो क्रॉप्स के बीच में से फरो जैसे जैसे रैबिट फरो नहीं बनाता है तो उसी टाइप्स में ये फरो बना होता है और इसमें पानी सब कैरी कर रहा होता है ये और इधर साइड में क्रॉप्स होते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है वाटर कंजर्वेशन भी होता है तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर इरीगेशन ठीक है आई होप तुम्हें समझ में आया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरीगेशन इज मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टैंक टैंक इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन कैनल इरीगेशन या वेल इरीगेशन तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी ड्रिप इरीगेशन ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट ऑफ द कैनाल्स इन इंडिया बिलोंग टू विच कैटेगरी पेरिनियल कैनाल्स इनंडेशन कैनाल्स नेविगेशन कैनाल्स या नन ऑफ द अब मतलब इंडिया के मोस्ट ऑफ द केनाल्स कैसे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए पेरिनियल कैनाल्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज लीस्ट इरीगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया एंड इज सोल्ली डिपेंड ऑन कैनाल्स ए आसाम बी मिजोरम सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी मिजोरम ठीक है लीस्ट इरीगेटेड स्टेट है और जैसे अब लीस्ट इरीगेटेड स्टेट का हुआ है तो मतलब मोस्ट इरीगेटेड स्टेट भी जान लो कौन सी है तो मोस्ट इरीगेटेड स्टेट है यूपी यानी उत्तर प्रदेश ठीक है ठीक है सबसे ज़्यादा कैनाल इरीगेशन वैली इरीगेशन यहीं भी होता है उत्तर प्रदेश में ठीक है तो और ये मोस्ट इरीगेटेड स्टेट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशियट मेथड ऑफ़ इरीगेशन देखो ये क्वेश्चन हम पहले ऊपर भी करके आ चुके हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरीगेशन ठीक है मोस्ट एडवांस एंड एफिशियंट मेथड हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है वाटर रिसोर्सेज तक तो हमने कर लिए चैप्टर ठीक है और देखो जो तुमने फाइव चैप्टर्स प्रिपेयर करे होंगे उसका तो तुम जल्दी इजीली आंसर दे लोगे क्योंकि वो तुम करके जा रहे हो बोर्ड में लेकिन जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स उनको छोड़ के हम तो उसके इसमें एम और ज़्यादा चाहिए होंगे क्योंकि वो चैप्टर्स तुमने इतने डिटेल से नहीं करे होंगे ठीक है तो एम के लिए ये चैप्टर्स और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना फॉर एम ठीक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वन ठीक है जो फर्स्ट पार्ट है उसका वॉल मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन ए सेजिमेंट्री रॉक्स बी मेटामॉर्फिक रॉक्स सी इग्नियस रॉक्स या ऑल ऑफ द अबब तो इसका जो करेक्ट आंसर है दस ऑप्शन नंबर सी इग्नियस रॉक्स ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आयरन और इज मेनली यूज फॉर ए शिप बिल्डिंग बी बोल्ड स्नेल्स या स्क्रूज इसका मैनुफैक्चर करने में यूज़ होता है सी रोड्स एंड रेलवेज या डी ऑल ऑफ द अबव तो इन सारी चीज़ों में आयरन और का यूज होता है तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दी अबव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस स्टेट हैज़ अ लार्ज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ एग्डाइंड एंड हैमिटेड ठीक है लार्जेस्ट रिजर्व ए उड़ीसा बी राजस्थान सी कर्नाटका या डी मध्य प्रदेश तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ये सबके जितने भी तुम्हारे बुक में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और ये सारे दिए ना तो चीफ प्रोड्यूसर तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना ठीक है क्योंकि यही एनसी क्यूज बनेंगे तुम्हारे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस इज़ एन इम्पॉटेंट मिनरल फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर मेकिंग आयरन स्टील ए कॉपर आयरन कोल या मैंगनीज तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ मैंगनीज वैसे आयरन एंड स्टील बनाने के लिए तुम्हारा आयरन uh, भी यूज होता है आयरन स्टील ठीक लेकिन इस तुम अगर लाओगे क्या इसका आंसर मैंगनीज लगाओगे ठीक है इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर मेकिंग आयरन स्टील मैंगनीनीज लगाओगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैंगनीज इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ इसमें से क्या बनाने के लिए मैंगनीज का यूज कर जाता है ए बोल्ड्स एंड नेल्स बी स्पंज सी आयरन अप्लायंसेस या डी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है फेरोट चलो बाकी देखते हैं दिस मिनरल इज हाइली डकटाइल हाईली डकटाइल हाईली डकटाइल मतलब उसमें थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है ठीक है पतले वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है ए आयरन और बी मैंगनीज सी कॉपर या डी बॉक्साइड तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉपर ठीक है तुमने कॉपर के बारे में भी सुने होंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब तुम्हारा क्वेश्चन है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट शिप्स एंड यूटेंसिल्स ए आयरन और बी बॉक्साइड सी कॉपर या डी नन ऑफ दीज तो इसका जो करेक्ट आंसर हो दैट इज ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इज ठीक है इंपॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट में तुम्हें सारे बता रही हूँ बट जो उस पर मैं टिक कर रही हूँ वो थोड़ा सा ज्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर ए इसका है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश खेतरी राजस्थान हजारीबाग हाजा, इन झारखंड या साल इन तमिलनाडु तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इज ए सुंदरगढ़ इन उड़ीसा बी चित्रदुर्ग इन कर्नाटक सी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र या डी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुंदरगढ़ इन उड़ीसा ठीक है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज अब लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन था बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश तो ऐसे ही लीडिंग प्रोड्यूसर याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का जो सेकंड चैप्टर है सेकंड पार्ट है उससे ठीक है तो उसका क्वेश्चन नंबर वन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ ए पेट्रोलियम बी टाइडल एनर्जी सी बायोफ्यूल या डी विंड एनर्जी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद एटी परसेंट कार्बन विटामिनस लिकनाइट एंथ्रासाइड या पीट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंथ्रासाइड ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेट्रोलियम इज ए नॉन इनफ्लेम नॉन इन्फ्लेमेबल लिक्विड बी नेचुरल फॉसिल फ्यूल सी रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी रिसोर्स या डी नो इसका जो करेक्ट आंसर है हाइडल पावर इज अबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्टेबल रिसोर्स या वेरी एक्सपेंसिव तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ठीक है रिन्यस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वर इंस्टॉल्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू टू क्यों मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करे गए थे ए सप्लाई वाटर टू सिटीज एंड फॉर पावर जनरेशन फॉर नेविगेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अवॉइड सिल्टिंग इन द रिवर तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए टू सप्लाई वाटर टू सिटीज एंड पावर जनरेशन फॉर नेविगेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हीराकुंड डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड मेनली उस क्यों कंस्ट्रक्ट करा गया था उसे ए फॉर इरीगेशन बी टू कंट्रोल फ्लड्स सी टू सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज या टू स्टोर वाटर तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी टू कंट्रोल फ्लड्स ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर जनरेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी ठीक है मेन कौन से एलिमेंट चाहिए होते हैं ए यूरेनियम एंड प्लूटोनियम बी कोल एंड नॉन और फिर सी मैंगनीज एंड कॉपर या डी कॉपर एंड बॉक्साइड तो जो चाहिए होते हैं रॉ मटेरियल्स वो होते हैं यूरेनियम एंड प्लूटोनियम ठीक है जिससे एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जनरेशन होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोलर एनर्जी इज इन इन एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल नॉन एफोर्डेबल या मोर यूजफुल इन टेम्परेट जोन तो इसका करेक्ट आंसर है इन एग्जॉस्टेबल ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी यूज इन द गिवन पिक्चर आप ये पिक्चर देख लो और देखो कौन सी एनर्जी इसमें है तो तुम देख सकते हो कि सन है और सोलर पैनल्स लगे हैं यानी सन से रेडिएशन आ रही है सोलर पैनल्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं एंड सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट विंड एनर्जी बी सोलर एनर्जी सी बायोमास एनर्जी या डी टाइडल पावर तो इसका करेक्ट आंसर है बी सोलर एनर्जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया ठीक है ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट दिग बी रानीगंज सी झारिया या डी बॉम्बे हाई तो इसका करेक्ट आंसर है सी झारिया ठीक है झारिया सबसे बड़ी कोल्ड फील्ड है इंडिया की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा एग्रीकल्चर के फर्स्ट चैप्टर से है एग्रीकल्चर इंड इंडिया का फर्स्ट पार्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या डी कॉटेज इंडस्ट्री तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन इंडिया एग्रीकल्चर इज मेनलीपेंडेंट ऑन ए अराइवल ऑफ मानसून बी रॉ मटीरियल सी इकोनॉमी या डी लेबर तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अराइवल ऑफ मानसून नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन खारिश सीजन द क्रॉप आर सोन इन विच मंथ ए नवम्बर बी जून सी अप्रैल या डी ऑक्टूबर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जून बी ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन इंडिया इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बिकॉज इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग हमारे इंडिया में प्रैक्टिस करी जाती है क्यों उसका रीजन क्या ए लैंड होल्डिंग्स आर वेरी लार्ज बी मोस्ट ऑफ़ द लैंड इज फैलो ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर विच रिड्यूस द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स या डी एक्सटेंसिव फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल एज फार्मर्स कैन नॉट एफोर्ड तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आते हैं तुम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो कि उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हुआ है फिर इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर विच रिड्यूज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बिकमिंग पॉपुलर एज इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज बी कॉम्पोस्ट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर सी ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन या डी इट इज एक्सपेंसिव तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कॉम्पोस्ट इज यूज एज फर्टिलाइजर राइट चलो अब आगे देखते हैं इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन सब्सटेंस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर प्रोड्यूस फूड टू अर्न मोर मनी द फार्मर ग्रोस क्रॉप फॉर इज ओन कंज्शन द फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप टू एक्सचेंज फॉर अदर एम्यूनिटीज या द फार्मर प्रैक्टिस परमिटिव एग्रीकल्चर तो इसका करेक्ट आंसर है द फार्मर ग्रोज क्रॉप फॉर इज ओन कंजशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सड फार्मिंग का मतलब क्या होता है ए फार्मिंग ऑफ मेनी क्रॉप्स ऑन द सेम फार्म

ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन जैद क्रॉप सीजन फार्मर्स ग्रो क्या ग्रो करते हैं फार्मर्स ए वीट बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सी कॉटन या डी पल्सेस तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर यूज टू ए ग्रो द क्रॉप बी सेव द क्रॉप्स फ्रॉम द डिजीजे सी इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल या इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स तो इसका करेक्ट आंसर है दे सेव द क्रॉप्स फ्रॉम द डिजीज नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे एग्रीकल्चर इंडिया का पार्ट टू उसे है इसका क्वेश्चन फर्स्ट है राइस क्रॉप रिक्वायर्स एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस विद अ रेंज ऑफ कितनी रेंज ऑफम टेम्परेचर की रेंज है जो राइस क्रॉप को चाहिए होती है ग्रो करने के लिए ए टेन डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस बी सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस या सी ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस या ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम ग्राम कैन बी बेस्ट ग्रोन इन ठीक है इन इज न इन ए रेड सॉइल बी लोमी सॉइल सी ब्लैक सॉइल या डी लैट राइट सॉइल तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉइल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन दिस मेथड ऑफ कल्टिवेशन अभी कॉन्टेक्ट टाइप का क्वेश्चन है ठीक है इस टाइप के आजकल देखो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्स जो जो तुम्हारा चल रहा है इसमें कॉन्टेक्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे समझो इन दिस मेथड ऑफ़ कल्टिवेशन द सीड्स आर ड्रॉप्ड एट रेगुलर इंटरवल इन द दूस मेड बाई द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ प्लॉ और टिबो इट इज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मतलब नेक्स्ट उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं इसके ए ड्रिलिंग मेथड बी ब्रॉडकास्टिंग मेथड सी डिब्लिंग या डी ट्रांसप्लांटेशन तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिब्लिंग ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम डिजीजेज डैमेज द राइस क्रॉप एंड कैन रिड्यूस यील्ड ठीक है तुम्हें स्टेटमेंट दे दिया द मोस्ट कॉमन डिजीजेज आर राइस क्रॉप की मेन जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है कौन सी होती है ए रस्ट बी लूसमट सी ब्लैक पॉइंट या डी स्टेमरॉट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टेबरॉट ठीक है बाकी ये सारी जो होती हैं ये ग्राम में होती हैं सॉरी वीट में होती हैं ग्राम में नहीं वीट में ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइस क्रॉप रिक्वायर्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ ठीक है कितनी रेनफॉल सही होती है राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हंड्रेड सेंटीमीटर टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर वन फिफ्टी सेंटीमीटर टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर टू हंड्रेड सेंटीमीटर या फिफ्टी सेंटीमीटर टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वन फिफ्टी सेंटीमीटर टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है ज्यादा रेनफॉल सही होती है राइस को ग्रो करने के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवाहर इज ए पंजाब बी महाराष्ट्र सी वेस्ट बंगाल या डी उत्तर प्रदेश तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र ठीक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवाहर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मिलिट रिक्वायर रिकॉयर टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम ए ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टेन डिग्री सेल्सियस टू फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस टू थर्टी टू डिग्री सेल्सियस या ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी सिक्स डिग्री सेल्सियस टू थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस ठीक है राइट right, चलो अब आगे देखते हैं वीट ग्रोज वेल इन कौन सी सॉइल में रेड सॉइल एलोवियल ऑयल ब्लैक सॉइल या लाइटराइट्स ऑयल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एलोवियल ऑयल मूविंग टू नेक्स्ट द क्रॉप इज हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस कौन सा क्रॉप है ए पल्सेस बी वीट सी मिलेट्स या डी राइस तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मिलेट्स ऑप्शन नंबर सी अब एग्रीकल्चर का तुम्हारा थर्ड चैप्टर एग्रीकल्चर इंडिया का थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन है फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है राबी क्रॉप इज सोन इन ए जून टू जुलाई बी अक्टूबर टू नवंबर सी दिसंबर टू जनवरी या डी मार्च टू अप्रैल तो ऐसा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्टूबर टू नवम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन कॉटन रिक्वायर्स कितना टेम्परेचर ठीक है ऑप्टीम टेम्परेचर पूछ रहे हैं ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेन डिग्री सेल्सियस टू फाइव डिग्री सेल्सियस या थर्टी डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन फ्रॉम द रूट स्टॉक ऑफ द केन विच हैज़ बीन कट इज कॉल्ड ए गिनिंग बी रटूनिंग सी क्लोन प्लांटिंग या डी रेटिंग तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रटूनिंग ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कॉटन प्लांट इज वॉलनेबल टू अटैक बाय डिजीजेज लाइक ए ग्रीन लीफ हॉपर बी स्ट्राइप रस्ट सी बॉल वॉम्स या डी रस्ट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बॉल वॉम्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टडी द पिक्चर गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप इस क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है देखो तुम पिक्चर में दिखा देती हूँ ये पिक्चर है एंड तुम देख के समझ ही होगी ये कॉटन है अब इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ए गुजरात बी पंजाब सी हरियाणा या डी तमिलनाडु तो इसका जो करेक्ट आंसर है दप्शन नंबर ए गुजरात ठीक है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर केन कैन ग्रो वेल इन द एलुवियल्स ऑयल इट शुड बी रिच इन एलुवियल्स ऑयल इसमें रिच होनी चाहिए मतलब क्या मिनरल्स चाहिए होते हैं शुगर केन को ए नाइट्रोजन बी कैल्शियम सी फॉस्फोरस डी ऑल ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव ये सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं शुगर केन को तो ग्रो होने के लिए ठीक है तो ये सॉइल एलिबिया सॉइल प्रेजेंट होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन द फाइन प्लकिंग इज एसोसिएटेड विद ठीक है द फाइन प्लकिंग एसोसिएटेड विद कौन सा क्रॉप ए कॉफी बी टी सी रबर या डी कॉटन तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टी टी लीव्स को फाइन मतलब प्लग करके रखा जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप रोटेशन इज डन टू ए प्रिजर्व द सॉइल बी प्रिजर्व मिनरल्स इन द सॉइल सी ग्रो मोर क्रॉप्स या नन ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिजर्व मिनरल्स इन दॉयल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विनोइंग इज एसोसिएटेड विद ए राइस क्रॉप बी कॉटन क्रॉप सी सोयाबीन या डी व्हीट क्रॉप अब देखो यार विनोइिंग क्या होती है राइस में भी होती है एंड वीट में भी होती है लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे एम सी क्यू में तो तुम्हें क्या लगाना है तुम्हें वीट क्रॉप पे आंसर लगाना है ठीक है अब ठीक है आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा मैन्युफेक्चरिंग इन इंडिया मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया का फर्स्ट पार्ट ठीक है उसका फर्स्ट चैप्टर मोलेशियस इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए सिल्क इंडस्ट्री बी शुगर इंडस्ट्री सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या डी वुलन इंडस्ट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी शुगर इंडस्ट्री चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉम्बे स्मोरी इज एसोसिएटेड विद ए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बी जूट इंडस्ट्री सी सिल्क इंडस्ट्री या डी शुगर इंडस्ट्री तो बॉम्बे स्मोरी जैसे कि सिल्क वॉर्म का नाम है तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिल्क इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन वे इज अ रॉ मटीरियल फॉर ए टॉय इंडस्ट्री बी पेपर इंडस्ट्री सी सिल्क इंडस्ट्री एंडी जूट इंडस्ट्री तो बगैस जो होता है रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में ठीक है पेपर पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेरिकल्चर इज प्रैक्टिस डेन ए तमिलनाडु बी आंध्र प्रदेश सी कर्नाटका या डी उत्तर प्रदेश तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम दिस स्टेट इज कॉल्ड द कॉर्टन ऑफ ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ए गुजरात बी कर्नाटक सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज महाराष्ट्र चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ए तमिलनाडु बी पंजाब सी केरला या डी आंध्र प्रदेश तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु अब मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया की बात हुई तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात भी कर लेते तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया है कानपुर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रेस मेड मड इज यूज फॉर ए मेकिंग वैक्स बी या नेल पॉलिश बनाने के यूज होता C, paper, D, तो है सी पेपर या डी फर्टिलाइजर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेकिंग वैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंडस्ट्री इज दैट डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर द रॉ मटेरियल कौन सी इंडस्ट्री है ए शुगर इंडस्ट्री बी हैवी इंडस्ट्री सी कॉटेज इंडस्ट्री या नन ऑफ दी अबव तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए शुगर इंडस्ट्री अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांडला फ्री ट्रेड जोन इज सिचुएटेड इन ए महाराष्ट्र बी केरला सी गुजरात या डी तमिलनाडु तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो ए नॉन मलबरी सिल्क सचस मूगा तस्सर तस, एंड एरी आर प्रोड्यूस्ड ए नागालैंड बी गुजरात सी तेलंगाना या डी आसाम तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी असम ठीक है अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया का सेकेंड चैप्टर जो है सेकेंड पार्ट इससे क्वेश्चन है ये दिस इंडस्ट्री फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए कॉटन टेक्सटाइल बी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या डी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

फर्टिलाइजर प्लांट प्रोड्यूस लोकोमोटिव पार्ट्स प्रोड्यूसर्स रेलवे कोचेस प्रोड्यूस स्पेशल स्टील फॉर वहीकल्स रिलेटेड टू द इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इट प्रोड्यूस लोकोमोटिव पार्ट्स राइट चलो बाकी देखते हैं दिस प्लांट वॉज सेटअप इन कोलेबोरेशन विदन फर्म क्रप्स एंड दिमाग दिमाग ठीक है चलो ए टाटा स्टील बी रूरकेला स्टील प्लांट सी बिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट या डी विशाखापट्टनम प्लांट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी रूरकेला स्टील प्लांट ठीक है राइट चलो वाकई देखते हैं बिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट गेट इट्स आयरन ओर फ्रॉम ए सुंदरगढ़ एंड क्योंजर डिस्ट्रिक्ट बी नोमन माइन्स ऑफ सिंहभूम धारी हजारा रेंज या बेला गला माइन्स इन छत्तीसगढ़ ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी दली राजजारा रेंज ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रूरकिला स्टील प्लांट गेट इट्स सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम विच रिवर ए रिवर सुवर्ण रेखा बी रिवर ब्राह्मणी बी सी सॉरी सी रिवर महानदी या डी तेंदुला कैनाल तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी रिवर ब्राह्मणी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस आयरन एंड स्टील प्लांट इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मॉडर्न स्टील प्लांट ए टाटा स्टील प्लांट बी रूरकेला स्टील प्लांट सी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट या डी भिलाई स्टील प्लांट तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस स्टील प्लांट इज मैनेज बाय राष्ट्रीय स्पद निगम ए रोर किला स्टील प्लांट बी टाटा स्टील प्लांट सी भिलाई स्टील प्लांट या डी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ठीक है चलो राइट चलो आगे देखते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इस एट इस ए पुणे बी मुंबई सी हैदराबाद या डी बेंगलुरु तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु में सिचुएटेड है ये चलो नेक्स्ट देखते हैं आप ट्रांसपोर्ट हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर जो है बुक का नेशनल हाईवेज़ आर मेनटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सी पी डब्ल्यू डी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन एच ए आई सी नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एन एच डी पी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पी डब्ल्यू डी तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एन एच ए आई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया रेलवेज रोडवेज एयरवेज या वाटरवेज इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रोडवेज ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कनेक्ट्स रिमोट एरियाज विद सिटीज़ ए वाटरवेज बी रेलवेज सी रोडवेज या डी नन ऑफ दी अबव तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोडवेज़ ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट्स द फॉलोइंग सिटीज़ ए जयपुर एंड दिल्ली बी दिल्ली एंड आगरा सी अलाहाबाद एंड दिल्ली डी आगरा एंड जयपुर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एंड आगरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोल्डन क्वाड्रेट अ हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग ए दिल्ली कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई बी जम्मू कन्याकुमारी जमुनानगर या दिल्ली और सी चंडीगढ़ चेन्नई पुणे एंड भुवनेश्वर या डी लखनऊ हैदराबाद सूरत एंड पटना तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ए रोडवेज बी वॉटरवेज सी एयरवेज या डी रेलवेज तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एयरवेज ठीक है फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज फ्री ऑफ जोग्राफिकल कॉन्ट्रास्ट लाइक माउंटेन्स रिवर्स एंड ओशियंस ए वाटरवेज बी एयरवेज सी रेलवेज या डी रोडवेज तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयरवेज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स एयरवेज वाटरवेज रेलवे एंड रोडवेज करेट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाटर वेज ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटर वे ऑफ इंडिया इज फ्रॉम अलाहाबाद टू हल्दिया कोलहान टू कोतापुरम इन केरला ब्रह्मपुत्र रिवर टू सादिया इन आसाम या काकीनाडा टू पांडिचेरी तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलाहाबाद टू हल्दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन इंडियन रेलवे द विथ ऑफ ब्रॉडग्रॉज इज वन पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स मीटर टू पॉइंट जीरो मीटर 1.6 किलोमीटर यान 1.76 मीटर तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन 1.676 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वार जो वेस्ट मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट है उससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द थ्री आवर्स कैन भी अडोप्टेड बाई अ रिकवरिंग द हीट फ्रॉम कमस्टेबल वेस्ट डिस्पोजिंग प्लास्टिक बॉटल्स इन लैंडफिल कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफरिंग कलेक्शन ऑफ रिसाइकेबल्स फ्रॉम द अपार्टमेंट्स बिल्डिंग वंस अक वीक ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिस्क रिकवरिंग हीट फ्रॉम कम्बस्टेबल वेस्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लाई एज फ्राम पावर प्लांट्स कैन बी यूज एज सीमेंट सब्सटीट्यूट विद विच आर द फॉलोइंग आर्ट इट कैन बी एसोसिएटेड रिसाइकल रड्यूज रीयूज ऑल ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रीयूज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेस्ट पेपर कैन बी कन्वर्टेड टू मेक न्यू पेपर विद विच ऑफ द फॉलोइंगोसिएटेड रिसाइकिल रेड्यूज रीयूज ऑल ऑफर आंसर ऑप्शन नंबर ए रीसाइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू थ्री आर स्टैंड फॉर रिसोर्स रिचार्ज रीसेट रीबॉन रिसीव रेड्यूज रीय रीसाइकिल्स करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रेड्यूज एंड रीसाइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट एन एग्जाम्पल नॉन बायोग्रेडेबल वेस्ट ए ग्लास बी वेजिटेबल पील्स सी प्लास्टिक बॉटल्स टी ग्लास आइटम्स तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी वेजिटेबल पील्स नेक्स्ट क्वेश्चन ई वेस्ट रेफर्स टू इन्वायरमेंट वेस्ट इलेक्ट्रिकल वेस्ट एक्सक्रीटा वेस्ट या डी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेफर्स टू द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज तो इस टाइप की कुछ इमेज है थोड़ी सिमलर है लेकिन तुम्हारे समझ में आ रही होगी कि तुम्हारी बुक में भी ऐसी बनी है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्ट कैन बी जनरेटेड हेयर ए बायोमेडिकल वेस्ट बी डोमेस्टिक वेस्ट सी इंडस्ट्रियल वेस्ट या डी एग्रीकल्चरल वेस्ट तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडस्ट्रियल वेस्ट ठीक है इंडस्ट्री बनी तुम्हें दिख भी रही होगी ये ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज अ कॉज ऑफ मिनी मात्रा डिजीज एयर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाटर पॉल्यूशन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेफर टू द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलोज ठीक है तो ये इमेज है तुम्हारी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बायो मैग्निफिकेशन बायो एक्यूमिलेशन यूट्रोफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन तो ये डायग्राम तुम्हारी बुक में ही बना और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूट्रोफिकेशन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन ए वाटर पॉल्यूशन बी एयर पॉल्यूशन सी सॉयल पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी एयर पॉल्यूशन ठीक है अब लास्ट uh, जो इस पार्ट वेस्ट मैनेजमेंट का जो लास्ट पार्ट है दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट उससे क्वेश्चन है रेफर टू द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन आइट फॉलोज तो ये हमारी इमेज है और क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस इज प्रैक्टिसर डंपिंग सेग्रीगेशन कॉम्पोस्टिंग एंड लैंड तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज सेग्रीगेशन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ वेस्ट और इन द ग्राउंड और इन द ग्राउंड एंड कवर्ड कवर्ड विथ अर्थ इन द लार्ज एरिया ऑन द आउटकर्ट्स ऑफ सिटीज सेग्रीगेशन कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एंड लैंड फिल तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लैंड फिल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेफर टू द इमेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट फॉलोज तो ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है बट तुम देख सकते हो ये इमेज है हमारी बुक में बनी है विच ऑफ़ द फॉइंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस प्रैक्टिस जी फॉर्मेंटेशन सेग्रीगेशन कॉम्पोस्टिंग एंड लैंड फिल ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लैंड फिल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट ऑफ द कॉर्बेज ऑफ दिल्ली इज रिसकल इन तिमारपुर प्लांट टू जनरेट ए बायोगैस बी फर्टिलाइजर सी कुकिंग गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी या डी ऑल ऑफ द अबव तो इसका करेक्ट आंसर है कुकिंग गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल साइट फॉर लैंड फिल सेंटर ऑफ द सिटी गार्बेज बिसाइड ईच हाउस लार्ज एरिया अवे फ्राम सिटी या ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लार्ज एरिया अवे फ्राम सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन पिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कॉम्पोस्टिंग इज नॉट करेक्ट कॉम्पोस्टिंग इन वॉल्स डिकम्पोजिशन ऑफ बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट अर्थ वार्म प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कॉम्पोस्टिंग कॉम्पोस्टिंग इन वॉल्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू ह्यूमर्स या बोथ बी एंड सी तो इसका तो करेक्ट आंसर है ये फर्स्ट ये वाला Composting involves decomposition of both organic and inorganic waste. Okay. Next question: Which of the following set of microorganisms is involved in the process of composting? Algae, viruses, protozoa, algae, helminthes, archaea, bacteria, fungi, actinomycetes. This is a correct answer. Option number D: bacteria, fungi, actinomycetes. Next question: Which of the following is not is are not the advantages of composting? Reduction in the quantity of waste, conversion of organic waste into valuable fertilizer. एरोबिक कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड एम इट्स बैड ऊडर या बोथ ए एंड बी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एरोबिक कंपोस्टिंग इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव एंड एम इट्स बैड ऊडर ठीक है तो ये इसका करेक्ट आंसर था तो ये एम सी क्यूज हमने इतने सारे पूरे वन शॉट एम सी क्यूज डिस्कस कर लिए और आई होप तुम्हें कल के बोर्ड एग्जाम में जोग्राफी के इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है अगर तुमने काफ़ी सारे इसके आंसर सही बता चुके हो तुम तो फिर ये था आज का वीडियो और आज के लिए पाए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमोरोज एग्जाम बाय